में कौन सा इनकम दिखाना है, करंट ईयर का, और करंट ईयर का इनकर्ड एक्सपेंस। ओके, क्या 2007 वाले में वो 2008 वाला पड़ा हुआ इंक्लूडेड है 103? अगर इंक्लूडेड होता तो मैं हटाता ना, इंक्लूडेड होता तो मैं माइनस करता। यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्वेश्चन अलग अलग दिया है ना, इसको बोलते हैं शुद्ध सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? शुद्ध। तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं, तो एक ही इफेक्ट होगा, कहाँ? लाइबिलिटी में जाएगा। और ये जो 103 है ये इस साल लाइबिलिटी में जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का इनकम, समझा? 2008 का वो इनकम है, 2007 में टैक्स और लाइबिलिटी, करंट ईयर में इट्स लाइव। वन सेकेंड, 06 का कहां जाएगा? लास्ट ईयर एसेट क्यों समझा? लास्ट ईयर रिसीवेबल था, ये साल पैसा आया। 07 का कहां जाए? दिस ईयर इनकम। 08 का प्री रिसीव्ड है, तो वैसे तो दो इफेक्ट होते हैं, माइनस है लाइबिलिटी, लेकिन इधर माइनस करना है, माइनस कब करते हैं? जब इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड नहीं है, अशुद्ध होता है तभी माइनस करते हैं। शुद्ध है तभी माइनस करने की जरूरत है। और ये शुद्ध ईयर दो मिलाओ, लास्ट ईयर का अलग, करंट ईयर का अलग, नेक्स्ट ईयर का अलग। बाजू में डोनेशन दिया, उसके नीचे डोनेशन के बारे में इन्फो पढ़ो, कुछ तो दिया रहेगा। एकदम लास्ट में फुल्ली कैपिटलाइज, तो एड टू कैपिटल फंड, सॉर्टेड है। एंटरटेनमेंट रिसीट्स, इनकम इंटरेस्ट, इनकम एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, लास्ट सेकेंड लास्ट। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, आधा इनकम आधा कैपिटलाइज हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, अगर ये आ गया ना मतलब दिमाग काम कर रहा है। जिमखाना हैज 450 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 ईच। अगर मेरे पास 450 मेंबर्स हैं और हर एक बंदा साल का 10 रुपया भर रहा है, तो मेरा साल का इनकम कितना होना है? लेकिन मेरे को मिला कितना है? मतलब क्या 500 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर। समझ में आया? इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 500। तो आपको सीधा सीधा नहीं बोला, ये आउटस्टैंड 450 मेंबर 10 रुपया पे करेगा तो कितना होएगा? 4500 होएगा, बराबर है? तो उसमें से मिला कितना है? 400 मिला, 4000 मिला, तो 500 रुपया मिलना। इन शॉर्ट, जब भी मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन दिया, मेंबर्स इनटू पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, That is your earned income of this year. That is your earned income of this year. That should appear in the outer column. That should appear in the outer column. Earned income. मेरे पास 50 स्टूडेंट है, 10,000 रुपया फीस है, तो 5,00,000 रुपया हुआ। 5,00,000 is my earned income. 5,00,000 is my earned income. उसमें से 4,00,000 मिला है, मतलब 1,00,000 is outstanding. वो ऐड हो जाए। समझ में आया? तुमको दिया होगा There are 600 members paying 10 each. 600 members paying 10 each, तो कितना होना चाहिए? 6,000 earned income है, वो आउटर कॉलम में होना ही चाहिए अक्रूअल बेसिस के हिसाब से, लेकिन मेरे को मिला कितना है? 4,000 would have been outstanding. समझ आया? अभी उसके आगे भी गम्मत है। ₹20 is still in arrears towards subscription of 06. Still in arrears का मतलब क्या है? Still in arrears मतलब ये 20 लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था और ये साल भी मिलना बाकी है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था और ये साल का भी आउटस्टैंडिंग है, तो कहाँ दिखेगा? लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट। अभी 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 साला ऊपर लास्ट ईयर का तो दिख रहा है, कितना मिला है लास्ट ईयर का? 85. तो वो 85 के अंदर ये 20 नहीं है, नहीं। क्यों? हाँ, वो 85 तो मिल चुका है, वो 85 तो ये साल आ गया ना रुकड़ा, ये 20 तो क्या है? टिल इन अरियर्स। मतलब क्या? मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 85 नहीं था, लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग 105 था, लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग 105 था, जिसमें से 85 मिला है और अभी भी 20 मिलना।
तो लास्ट ईयर एसेट अगर आप बैलेंस शीट बनाते तो इट वुडंट हैव बीन 85, इट विल बी 105. आउट ऑफ व्हिच 85 यू हैव रिसीव्ड ऑन द रिसीट साइड. एंड यू सी दैट फर्स्ट आइटम ऑफ द रिसीट सब्सक्रिप्शन 06. तो 20 अभी भी मिलना बाकी है, तो वो कहां जाएगा? एसेट्स में. 20 अभी भी मिलना बाकी है, तो जब तक वो मिलना बाकी रहेगा ना, तब तक वो एसेट 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 घूमता रहेगा. लास्ट ईयर का 20 बाकी था तो एसेट अभी भी बाकी है, करंट ईयर एसेट, नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिला समझ, तो एसेट फिर एसेट फिर एसेट, वो डेटर है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज लाइक, जब तक पैसा नहीं आता है तब तक वो एसेट में घूमता है. तो टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एसेट में कितना रिफ्लेक्ट होगा? करंट ईयर का 500 मिलना बाकी है, प्लस लास्ट ईयर का 20 और मिलना बाकी है, टोटल 520. टोटल कितना मिलना बाकी है? 520. इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं स्टिलिंग अरियर. क्या बोलते हैं? स्टिलिंग अरियर का अर्थ क्या है? लास्ट ईयर भी बाकी था, ये साल भी बाकी है. अभी इसका एक वेरिएशन पूछा जा सकता है. सुनो, अगर ऐसे दिया है ₹200, ये 20 नहीं दिया होता और इसके जगह दिया होता ₹200 वॉज इन अरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर. ₹200 was in arrears for the last year. Was in arrears. Still in arrears? No, was in arrears. तो was in arrears का मतलब last year outstanding कितना था? 200. उसमें से मिला कितना है? 85. तो अभी भी कितना मिला बाकी? 115. तो last year asset में 200 जाएगा. Was in arrears. उसमें से 85 तो आ चुका है. ऊपर दिख रहा है receipt में. तो अभी भी कितना मिलना बाकी? 115. तो current year asset में 115. मतलब still in arrears is 115. Still in arrears is? Was in arrears? 200. Still in arrears? 115. Got it? तो कभी was in arrears देगा, कभी still in arrears. जैसे वो next sum ही देखो आए थे. नहीं, next sum में तो still in arrears है. आएगा कभी तो. 8 sum में दिया है. 8 sum में. 8 sum में देखो similar सा sum है. उधर first line पढ़ो. Second half. ₹90 being in arrears for 06 at the beginning of 06. देख रहा है? Being in arrears for 06 at the beginning of 06, 8 sum, first line. ऊपर देखो कितना मिला है? 80 मिला है. तो 90 मिलना था last year. उसमें से 80 मिल चुका है. तो 10 is still in arrears. तो वो current year है. समझ में आया? तो यहाँ पे subscription का दागा खुला सबका. सबसे पहले last year का 85 कहाँ दिखोगा? दिखोगे? जो ऊपर वाला 85 था वो लास्ट ईयर है. जो 07 का है वो इनकम. वो 08 वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट दैट 08 वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट दैट लास्ट ईयर वाला. नो, कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं. शुद्ध सब्सक्रिप्शन, शुद्ध सब्सक्रिप्शन है, कुछ करने की जरूरत नहीं. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. 20 वो समझा, मेंबर्स आर पेइंग हाउ मेनी? 450 मेंबर्स पेइंग 10, तो कितना होना चाहिए? 4500 मिला कितना है? 4000. 500 रुपए आउटस्टैंडिंग. व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स? ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स, वो हो गया. अच्छा, 20 स्टिल इन अरियर. स्टिल इन अरियर भी वॉज इन अरियर, मतलब क्या? लास्ट ईयर भी बाकी था, ये साल भी बाकी है. तो लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट, LYACYA, LYACYA. तो लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 105. उसमें से 85 मिला है, 20 अभी भी मिलना बाकी है. आगे बढ़ो. कैरी फॉरवर्ड ₹20 एज रेट्स पेड इन एडवांस. व्हाट इज दैट? प्रीपेड रेट्स. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? लेस फ्रॉम रेट्स एंड एसेट्स. लेस फ्रॉम रेट्स एंड एसेट्स मिला. प्रोवाइड 200 फॉर सैलरीज आउटस्टैंड. आई टू सैलरीज एंड लाइबिलिटीज. करेक्ट. जिमखाना ओन्स लैंड एंड बिल्डिंग स्टैंडिंग इन द बुक्स एट 15,000. फर्नीचर स्टैंडिंग एट 1150. ओन्स मतलब इज इट परचेज इन करंट ईयर और ऑलरेडी अपीयरिंग फ्रॉम लास्ट ईयर से आ रहा है. अगर ये साल खरीदा होता तो कहां दिखता पता है? पेमेंट्स में दिखना चाहिए. पैसा दिया होगा है, मतलब ये दूसरा एंड है, ये लास्ट ईयर से टपक रहा है. अब सुनो ध्यान से, लास्ट ईयर का कोई भी एसेट दिख जाए, फिक्स्ड एसेट, तो उसका थंब रूल याद रखना. पहले तो लास्ट ईयर का एसेट का वो क्लोजिंग बैलेंस है, उसको लेके आओ करंट ईयर में. फिर करना है एसपीडी. क्या करना है? एसपीडी. एसपीडी स्पीड याद रखने का. एसपीडी. व्हाट इज एसपीडी? सेल परचेज डेप्रिसिएशन.
इन द सेम ऑर्डर, दैट्स वाई एसपीडी, डोंट डू पीडीएस पीएसडी, सब गलत है। क्या करने का? एसपीडी, सेल परचेज डेप्रिसिएशन। वाई? Because assumption is sale and purchase happen on first date of the year and depre happens on the last date. इसलिए पहले sale खत्म करो, फिर purchase और फिर depre. Say for example land and building. Last year से current year में लाओगे, कुछ sale हुआ है, दिख रहा है question में? अगर होता तो कहाँ दिखता बताए? Sale मतलब पैसा आया तो receipt में दिखता, purchase होता तो कहाँ reflect होता? Payment में दिख रहा है कुछ? नहीं, डेप्री है तो सेल परचेज नहीं है तो खाली डेप्री कर। ऐसा फर्नीचर भी लास्ट ईयर से करंट ईयर में लेके आओ, सेल है, चेक करो सेल ऑफ फर्नीचर दिख रहा है रिसीट में, परचेज है, डेप्री है तो खाली डेप्री माइनस होगा। तो सेल परचेज और डेप्रीसिएशन, ओके, तीनों सेम ऑर्डर में करना है। उसके बाद लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर दोनों 15,000 और 1150, ये कहां से टपक रहा है एसेट? तो LYA CYA, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट, बट लास्ट ईयर बैलेंस शीट बना रहे हो तो यहां पे दिखेगा। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, माइनस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस। डेप्री कौन सा साल का? लास्ट ईयर का, ये साल ऑब्वियसली, ये साल लास्ट ईयर का, तो क्लोजिंग वैल्यू सब एडजस्टमेंट करने के बाद। अभी इंटरेस्ट फॉर 3 months एट 12% इज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इज इट नॉर्मल एडजस्टमेंट और हिडन? नॉर्मल है, क्यों पता है? नहीं, एडजस्टमेंट में भी परसेंटेज होता तो हिडन हो सकता है, परसेंटेज दिखते तो सीसीसी करते हो, इधर सीसीसी करना है क्यों नहीं करोगे? 3 months दिया हुआ है, दैट पीरियड इज द की थिंग। 3 months दिया हुआ है तो मतलब तीन इच महीने का रिसीवेबल है, तीन इच महीने का रिसीवेबल है, तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब वो लोग बोल रहे कि भाई दिमाग मत लगाओ, 3 महीने का इंटरेस्ट ही आउटस्टैंडिंग है, 3 महीने का इंटरेस्ट ही आउटस्टैंडिंग है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है आपका? 3000 है, तो मैं सीधा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ 3000 पे। क्या रेट है? 12% फॉर 3 months, 90 आउटस्टैंडिंग है, 90 आउटस्टैंडिंग है। ऊपर दिख रहा है इंटरेस्ट 81 दिख रहा है, 81 प्लस 90 होगा, 81 प्लस, कंपेयर मत करना, अरे 90 में से 81 तो मिल गया है मतलब 9 rupees आउटस्टैंडिंग, नहीं 90 आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 90, दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मल, इट्स नॉट हिडन। अगर सिर्फ परसेंटेज देखे छोड़ दिया होगा ना 12%, देन इट वुड हैव बीन हिडन। तो मैं कैलकुलेट करता 12 महीने का, फिर चेक करता कितना मिला है, फिर कंपेयर करके ढूंढता कितना आउटस्टैंडिंग है। तो मंथ्स दिया तो वो एडजस्टमेंट क्या हो जाता है? रेगुलर नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाता है, समझा? तो वो 90 आउटस्टैंडिंग है। क्या करोगे ये 90 का दो इफेक्ट बताओ? एड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स, एड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स, देन कैपिटल फंड दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, और डोनेशन का तो ब्रेकअप है, डॉट्स डाल लो। 07 के सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट, 07 वाले सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट, 06 वाले पे एक डॉट, वो याद रखने के लिए कि 20 rupees लिखना है। 07 पे एक डॉट, 06 पे एक डॉट, देन रेट्स पे एक डॉट, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी 1, रेट्स एंड टैक्सेस 1, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर नीचे मिलेंगे उन पे एक एक डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर नीचे मिलेगा उस पे एक एक डॉट मिला, डोनेशन 1 डॉट, एंट्रेंस फीस 1 डॉट, इन्वेस्टमेंट 1 डॉट, इंटरेस्ट 1 डॉट, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट, एंटरटेनमेंट डोनेशन एंट्रेंस फीस तो बोला ना, डोनेशन एंट्रेंस फीस पे एक, इंटरेस्ट पे एक, इन्वेस्टमेंट पे एक, फर्नीचर पे एक, लैंड एंड बिल्डिंग, मुझे बताओ दो बैलेंस शीट बनाने की एक बुक्स ऑफ कौन है? वेस्टर्न
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इसका आइडिया था करते रहो लिटरली क्लैप इलेक्ट्रिक चार्जेस है कुछ डॉट हमारा गलती नहीं है, हैवी है थोड़ा ये डोज, ये लेक्चर में बहुत सिट्टी पिट्टी गुल होता ही है। पेपर इज नॉट वैल्यूलेस, वो जिसको वैल्यू रहेगा उसको इम्पोर्टेंस देना। इसका कुछ है मार्च एडिशन, कुछ फर्क पड़ता रहेगा तो अपन ध्यान दे, कुछ है ही नहीं। बोल रहा रिस्पेक्ट रहना चाहिए, टाइम पास है, कुछ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं। चलो और तुम्हारा चैप्टर हुआ रहेगा और कम आएगा तो अलग बात, हुआ किधर है कम आना होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं आना जनता का। चलो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरल एक्सपेंस एनी डॉट नहीं है, नहीं है ना, रेट्स एंड टैक्स पे है आई थिंक, क्या है तो रेट्स पेड इन एडवांस व्हाट डू यू डू, माइनस प्रीपेड रेट्स 20, सो आउटर कॉलम 100, इज दिस क्लियर। इन्वेस्टमेंट इज व्हाट एसेट एनी डॉट इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, दिख रहा है, वॉज इट अ हिडन और अ नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल क्यों नॉर्मल था पता है आपको, मंथ्स दिया मंथ्स मंथ्स आपको बोल दिया है कि भैया तीन ही महीने का आउटस्टैंडिंग है, फिर अपना दिमाग लगाने का नहीं, बस ये रहा, देखो ये रहा आउटस्टैंडिंग, तो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 90, तीन महीना है तो तीन महीने का करो, चार महीना है तो चार महीने का करो,
पांच महीना, तो पांच महीने का करो, वही इच्छा उस टाइम खत्म। देन नेक्स्ट वन, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग यानी डॉट नो डॉट, सो आउटर कॉलम 241। अभी गम्मत, एक्सपेंसेस ऑफ 06 इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर लायबिलिटी, बट आर वी शोइंग लास्ट ईयर बैलेंस शीट, नो इग्नोर। फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट क्लोजिंग है, इतना पैसा कैश से निकाल के डिपॉजिट में रखा हुआ है 1000। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 895, दैट इज कैश बैलेंस 895 मिला। ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, तो लास्ट ईयर एसेट, इज दैट राइट, प्लीज पे अटेंशन। सब्सक्रिप्शन देखो 678 दिया हुआ है, 6 का कहां जाएगा, लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर का रिसीवेबल था अभी मिला है, 7 का किधर जाएगा, 7 दिस ईयर इनकम, 7 का तो लिखना है ना, कितना है 4000, उस पर डॉट भी है, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है करंट ईयर का 500, समझ आया, कैसा 500, 4000 प्लस 500, 4500 450 मेंबर्स थे ना, 10 रुपया बढ़ने वाले, वो आपका अर्न इनकम है। अभी 08 का क्या है, प्री रिसीव्ड हुआ, प्री रिसीव्ड का जनरली देयर आर टू इफेक्ट्स, लेस एंड लायबिलिटी, बट यू आर टू और वन ओनली लायबिलिटी, वाई बाय शुद्ध सब्सक्रिप्शन क्या है, शुद्ध, शुद्ध का मतलब करंट ईयर वाले के अंदर लास्ट ईयर वाला नेक्स्ट ईयर वाला पड़ा हुआ नहीं है, समझा, लिखा ना एबीसी लाइब्रेरी, माइनस नहीं होगा इधर, नहीं इधर, ऐसे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, वो लास्ट ईयर की इनकम ऑलरेडी ऐड हो चुका है, लास्ट ईयर की इनकम थी 2, लास्ट ईयर ऐसे नहीं, करंट ईयर ऐसे, 1040 इग्नोर क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे है, 85 भी इग्नोर क्योंकि लास्ट ईयर एसेट है, 520 बताता हूँ प्रेजेंटेशन वाला। देन डोनेशन के बारे में क्या करना है, कैपिटलाइज होकर